हेलो एवरीवन, कुक विद आकांक्षा स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोमोज, जी मगर चावल के आटे का। तो इस रेसिपी को आप एक बार पक्का ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो चलिए बिना देरी के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चावल के आटे को गर्म पानी से नीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए आज हम फूड प्रोसेसर में ही चावल के आटे को नीट करेंगे। तो आप देखिएगा कितने आसानी से ये नीट हो जाते हैं। तो जार में हम 1.5 कप चावल का आटा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, लिड को लगा देंगे और जार को फिक्स कर देंगे। और एक पे ही मैं चलाने वाली हूँ और इसमें गुनगुना पानी धीरे धीरे डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे और बहुत आसानी से ये चावल का आटा नीड हो जाएगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन में रेट तो कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए आप इसे ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो बस मैं ऑफ कर दूंगी और मैं जार को रिमूव कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल के आटे कितनी आसानी से ये नीड हो गए हैं। ये देखिए, है ना आसान। चावल के आटे को जो मैंने फूड प्रोसेसर में नीट की थी उसे एक बॉल में रख कर उसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। मोमोज स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है तो 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ 1 टीस्पून अदरक ऐड करेंगे और इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। तो 1 मीडियम साइज के अनियन को मैंने बारीक ही चॉप कर ली हूँ, इसे भी ऐड कर देंगे और हल्का सा सौते कर लेंगे, सिर्फ कच्चापन हटाना है। वन फोर्थ कप ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड करेंगे, एक कप बारीक कटा हुआ बंद गोभी ऐड करेंगे और इन सभी को चला लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ही साबित से ऐड करेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं तो चावल के आटे के डो को एक बार और अच्छे से नीट कर लेंगे इस तरीके से। पूरी बनाने के लिए जितना बड़ा लोई लेते हैं ना उतना ही बड़ा आपको लोई ले लेना है और इसे चावल के आटे से डस्ट कर लेंगे अच्छे से और इसे बेल लेंगे। बेलते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा दबाव देते हुए नहीं बेलेंगे, अगर ज़्यादा इसे दबाव देते हुए बेलेंगे ना तो बीच से फटने लगेंगे, इसीलिए हल्का ही प्रेस करते हुए इसे बेल लेंगे। जितना पतला हो सके आप बेल लीजिए और इसमें मोमोज स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग तो आप जितना अच्छा से डालिएगा उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा और इसे एकदम ईजी भी मैं बता रही हूँ आपको कि बस इस तरीके से एक दूसरे पर इस तरीके से प्रेस करते हुए आपको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको
घुमा लेना है ऐसे। तो ये फोल्ड हो गया अच्छे से और इसे बीच से प्रेस कर देंगे हल्का सा, ये देखिए है ना आसान। इसी तरीके से सेकेंड वाले भी इस तरीके से आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ, जिसमें अच्छे से स्टफिंग भरेंगी और इसे इस तरीके से मोड़ते हुए प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए बस इसी तरीके से आपको घुमाते जाना है, फोल्ड करते जाना है। बस और इसे इस तरीके से हाथों से फोल्ड करते हुए सेंटर पे प्रेस कर देंगे। तो ये दूसरा वाला भी रेडी है। कढ़ाई में 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया था। तो जाली वाले स्टेन में मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ली थी। सारे मोमोज को मैं इसमें रख दूंगी। और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गया, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए मोमोज हमारे रेडी हैं। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। तो गर्मा गर्म चावल के आटे का मोमोज सर्व करने के लिए रेडी है। जितना ये देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो आज की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।